नमस्कार, आज हमारे साथ क्लिनिक में पेशेंट है सारिका। आइए उनसे बात करते हैं। हेलो सारिका। हेलो मैम, कैसे हो आप? बहुत अच्छी मैम। सारिका, आपको सफेद दाग कहाँ कहाँ थे? मैम फिंगर्स पे थे, यहाँ थे और यहाँ भी थे, और इन फिंगर्स में भी थे। राइट हैंड दोनों हैंड में थे, नाखूनों के आसपास मुझे याद है। नेल्स ही इधर से निकलना शुरू हुए थे और ये फैलने लग गए थे। और कहाँ कहाँ थे? हाथों के अलावा? हाथ थाई पे थे, पैरों में थे, फिंगर्स में भी थे। और अभी कहाँ बचे हैं? अभी मैम थोड़े थाई पे हैं हल्के हल्के से, बाकी सब ठीक है। बाकी बहुत रिजल्ट। हाथों के सफेद दाग बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आपके पास हाथों के, आप मुझे पहले एक पिक्चर भी दिखा रहे थे ना, दिखाएंगे मैम? मेरी हाथों में ये सफेद दाग थे जो कि बिल्कुल ठीक है। सारिका, ये बहुत अच्छी बात है, आपने सच में बहुत मेहनत करी है, दवाई टाइम पे लिया। परहेज करते थे? बिल्कुल। सारिका, कितना टाइम पहले आपने हमारा ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था? मैम ये जो बीमारी थी मुझे 5 इयर्स पहले थी, फिर मुझे किसी ने एडवाइस दिया आपके बारे में, तो 2 इयर्स पहले मैंने दवाइयाँ शुरू करी है आपके एडवाइस से। उससे पहले भी आपने इलाज कराया था? बहुत करवाया था, कोई रिजल्ट नहीं था। और अभी 2 साल से आप? 2 साल से मैम बहुत अच्छा रिजल्ट था। ये फोटो मेरी पहले की और अब का मेरा हैंड है, आप फर्क देख सकते हो। रिजल्ट बहुत ही अच्छा था मेरा। खुश हो आप? बहुत ही बहुत हैप्पी, क्योंकि इसको लेके मेरी फैमिलीज फ्रेंड्स वगैरह बहुत इश्यू करते थे, क्योंकि ये बीमारी ना बहुत बोलते लोग छुआछूत वगैरह से भी होती है। जबकि छुआछूत से सफेदा कभी नहीं होता। अब तो आपको पता होगा, क्योंकि देखो मैं भी सबसे मिलती हूँ, सबको हाथ लगाती हूँ, तो कभी भी ये बीमारी फैलती नहीं है। लेकिन हाँ, लोगों को मिथ बहुत ज्यादा है, इसलिए जिसको भी सफेद दाग होता है वो बहुत परेशान होता है, है ना। तो सारिका आई एम वेरी हैप्पी, आपने बहुत मेहनत की है। कितना टाइम पहले ये पूरे ठीक हो गए थे? मैम ये ना 6 मंथ मतलब जो हुए थे पहले तो बहुत ज्यादा थे, बट अभी 6 मंथ गए हैं, इसमें पूरा रिजल्ट आया मेरा, बहुत अच्छा रिजल्ट, मतलब पूरे हाथ क्लियर हो गए थे। और तब से आप अभी तक दवाई खा रहे हो? दवाई तो मैम अभी तक चल रही है, तो मैं आपसे एक बार और मिली थी, दूसरी बार मैं अभी मिलने आई हूँ, इसलिए मिलने आई हूँ क्योंकि मुझे दवाइयाँ बंद कर रही है कि चालू रखनी है। तो इस बीच आपने मेरे से ट्रीटमेंट कैसे लिया? आप मिले तो सिर्फ 2 बार ही थी। तो मैम वीडियो कंसल्ट करती थी, वीडियो कंसल्टेशन करती थी, तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि सारिका ने मेरे से वीडियो कंसल्टेशन के थ्रू सारा ट्रीटमेंट कंटिन्यू किया। एक बार ये बहुत पहले आकर मेरे से मिली थी और एक बार आज आके मिल रही हैं, जब इनको 100% ऑलमोस्ट 100% रिकवरी है। थाई का पैच बहुत कम रहता है, मैंने प्रिस्क्रिप्शन पे भी 100% रिकवरी लिखा है। हाथों की रिकवरी बहुत अच्छी है। तो सारिका बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आपने बहुत मेहनत करी है। और दवाइयों की जहां तक बात है, अभी 2-3 महीने और दवाइयां चलेंगी, फिर ये ट्रीटमेंट बंद हो जाएगा। परहेज में भी बहुत सारी चीजें आप अब खा सकते हो, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया है, और फिर आगे आगे और भी चीजें सारी वापस चीजें शुरू हो जाएंगी। बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू।